अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल्स विद फातिमा अली। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ ड्राइंग और पेंटिंग्स जो स्किल्स हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने वेलकम को वॉल पे पेंट किया है ड्रॉ करके और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद मैंने कुछ फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं जिसको शेप्स मैंने दे दी हैं और इसमें हमने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है। हमने वाटर कलर यूज़ किए हैं जो कि एक यूनिक लुक दे रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग है। अगर आपको ड्राइंग करनी आती है तो इट्स मीन आप कहीं भी कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। स्विच बोर्ड जो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो वो बहुत बोसीदा से लगते हैं, तो अगर इन पे के साइड्स पे कुछ बना दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते दिखने में लगते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है। वॉल पर मैंने स्विच बोर्ड के साथ जो है वो एक कोठी टाइप मकान जो है वो बनाया है। अब यहाँ पर मैं बच्चों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग कम्प्रिहेंशन सिखाने के लिए मैंने वाइट बोर्ड पर एक पैराग्राफ लिखा है, कुछ सवाल उनके आंसर इसमें से फाइंड आउट करने हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग लग रही है। ये मैंने एक गुलदस्ता और कुछ फ्लावर्स बनाए हैं और बहुत यूनिक कलर्स जो है वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने वाइट ब्लैक मार्कर से जो है वो दी है। इसके बाद जो है वो ये बटरफ्लाई है, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है और बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसके बाद बच्चों को काउंटिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए मैंने एक कैटरपिलर बनाई है। इस तरह की चीज़ों से बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी लर्न करते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ। मेरी हेड टीचर्स ने कहा कि फातिमा आप कमरों को डेकोरेट कर दें, आप में स्किल्स मौजूद हैं। तो मैंने जो है अपने दोनों क्लासेस को फुली जो है वो डेकोरेट किया है अपनी पेंटिंग और स्किल्स के ज़रिए से। जी तो नाज़रीन, मैंने कहा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ही अपनी ये ड्राइंग और पेंटिंग की स्किल्स जो है वो शेयर करती हूँ। सेंटीमीटर और मीटर के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्केल बनाया है। उसके बाद बच्चे जो है वो कलर से बहुत अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, तो यहाँ पर कलर्स कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने कलर्स बनाए हैं। तो नेशनल फ्लैग जो है वो हमारी पहचान है, यहाँ पे मैंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बलून्स बनाए हैं कुछ, और उसके शेप में मैंने शेप्स बनाई हैं। उसके बाद जो है टाइम सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्लॉक बनाए हैं जो कि डिफरेंट टाइम्स को शो कर रहे हैं। ये बहुत यूनिक आइडिया है, आप भी अपने क्लासरूम को अपने घरों में किसी भी जगह पर जो है वो पेंटिंग कर सकते हैं अगर आपको ड्राइंग आती है तो। और वाटर कलर से पेंट करना बहुत जो है वो आसान हो जाता है। यहाँ मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं और ये हैंड्स बनाए हैं मैंने हैस हैव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आप भी जो है वो अपनी दीवारों पर बना सकते हैं क्योंकि बच्चे तो हर घर में मौजूद होते हैं और बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। या फिर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं उनके स्पेलिंग के साथ। तो ये देखें नाज़रीन कितनी ज़बरदस्त पिक्चर्स बनाई हुई, कितने ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट हैं। अगर इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्ट्स बनाकर जो है पढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी बच्चे पिकअप करते हैं और उनके सीखने की रफ्तार जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ड्राइंग आती है, आपको पेंटिंग आती है, तो आप बच्चों को इसी तरीके से सिखाएँ और उसको लर्न नहीं करते जितना कि वो पिक्चर्स को देख के ऑब्जेक्ट्स को देखकर चीज़ों को जल्दी पिकअप करते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत आइडिया है, आप भी ज़रूर इसको जो है वो अपनी वॉल पे पेंट करें। और ये मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी मेहनत मैंने की है, एक तो लाइक बनता है। तो इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।